So today we are having one more live, this time with Saurabh Verma, who is a top Indian badminton player. We have been having these Insta lives for the last few weeks, very well appreciated. So thank you to all the viewers for making it a success. We have another one coming in on Wednesday and then followed by Friday. So keep listening to it, keep commenting on it. So let me just see if Saurabh is online and pull him into this Insta Live. So we have Saurabh Verma, who is a top Indian badminton player. So here he comes. So we've just invited him to join us. Yeah, hi. Hello, Saurabh. Hi. How are you? Hi Vijay, I'm good. How are you? Is it audible to you? Yeah, definitely. Yeah. Great. So happy to have you here, Saurabh. Thank you so much. Where are you now? Which place are you in? I am at home in Dhar, Madhya Pradesh. Okay. So yeah. So how it's been more than a month you have been there? I came here at on 5th of March, I guess. So it's okay. More than a month. So what's keeping you busy these days? Basically, morning or evening में तो training रहती है हमारी. तो वो एक routine जो है वो follow कर रहे हैं. But उसके अलावा जो भी time रहता है तो family के साथ spend करने को मिल जाता है. तो फैमिली के साथ तो वो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और जो भी बाकी का टाइम है वो जो भी रेस्ट और रिकवरी है उस पे भी थोड़ा ध्यान दे देता हूँ. राइट, या फैंटास्टिक. आई मीन आई एम श्योर दिस इज सम टाइम दैट योर फैमिली आल्सो वुड बी हैप्पी टू हैव यू एट होम. या एस्पेशियली सिंस यू गाइस ट्रैवल क्वाइट अ बिट ऑन द टूर, राइट? यस. सो लेट अस गो बैक सौरभ टू द ईयर टू 2020 एंड सो दिस ईयर वाज a year where you would have looked towards some milestones, especially because it's an Olympic year, right? So what was in your mind in January 2020? जो last year का जो last year के तीन चार महीने थे वो काफी hectic थे मेरे लिए. Especially November का जो month था, क्योंकि तीन back to back tournament मैंने खेले थे. एंड उसके अंदर जो लास्ट टूर्नामेंट था वो मैंने सैयद मोदी खेला था और वो मैं फाइनल खेला था. तो उसके वजह से एक चीज मुझे लग रही थी कि वो जो एक महीना पूरा मैं ट्रैवल कर रहा था तो फिटनेस उतनी ज्यादा उस लेवल पे नहीं थी. तो जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो मैंने यही सोचा था कि वापिस से वो फिटनेस और वो ट्रेनिंग जो एक चार पाँच हफ्ते का मैं प्लान कर रहा था कि इफ आई कैन डू गुड ट्रेनिंग फॉर 4 to 5 weeks देन आई कैन स्टार्ट प्लेइंग फ्रॉम जर्मन ओपन और ऑल इंग्लैंड. तो बेसिकली वही दिमाग में था. बट बिफोर ऑल इंग्लैंड जर्मन ओपन पोस्टपोन हो गया एंड देन दिस कोरोना वायरस जो शुरू हुआ. सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम्स टू माय माइंड इज यू वर वन ऑफ द पीपल हु हैड अ रियलिस्टिक चांस ऑफ qualifying for the Olympics, right? Yeah. So, जब ये COVID का situation जो हुआ था, तब आपको थोड़ा तो लगा होगा कि it was probably at the wrong time of your career. Yes, definitely. But actually, PBL जब खत्म हो रहा था उस time पे दूसरे part of the world में ये China में काफी चल रहा था. Right. मगर India में और Europe में जहाँ पर हमको next tournaments खेलना थे वहां पर उतना स्प्रेड नहीं हुआ था. तो मुझे लगा कि शायद वहीं तक रुक के ये कंट्रोल हो जाएगा. बट जर्मन ओपन जब कैंसिल हुआ देन आई थॉट कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एवरीडे हम लोग न्यूज में उसको देख रहे थे कि कुछ डेथ्स भी हुए हैं और अभी तक उसका कोई वैक्सीन बना नहीं था. तो वो बहुत ज्यादा रिस्की था और ट्रैवल करना उस सिचुएशन में काफी रिस्की था. तो वो भी एक रीजन था कि ऑल इंग्लैंड जो है मैंने नहीं खेला. तो
एक Yeah, I चीज think थी. a lot of top players, I mean, अराउंड been good 6 to 7 प्लेयर्स to seven विद्रू players फ्रॉम ऑल withdrew इंग्लैंड. from that. Yeah. So Saurabh, let's take a step back and go to where it all started. जब जी. आप छोटे थे, when was it that you started badminton? What age was it? आई थिंक आई वाज 7 years old, 7 or 8 years old व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग. तो पापा के साथ खेलना शुरू किया था. सो धीरे धीरे देन आई थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा. एंड देन व्हेन आई वॉन माय फर्स्ट नेशनल टाइटल इन 2001 अंडर 10 का, तो वो इंटरेस्ट और बढ़ता गया. एंड देन पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया कि अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो लेट्स लेट्स लेट लेट्स लेट हिम कंटिन्यू. तो वो एक धीरे धीरे वो जब रिजल्ट आने लगे स्टेट और नेशनल लेवल पे, तो मैंने उसको और कंटिन्यू किया और मोटिवेशन भी मिलता रहा घर से कंटिन्यू करने के लिए. So, I mean, not many of, I mean, lot of people who are listening to this would also know that Saurabh's brother Samir is also a very well accomplished यस badminton player himself. So जी हाँ. when did you realize that he is also actually starting to compete with you? I mean, at what age was his एक्चुअली जब मैं व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, उसके पहले हम लोग साथ में ट्रेनिंग करते थे धार में. एंड देन अंडर 16 के बाद मुझे जूनियर नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन सिलेक्शन हुआ था. तो उसके बाद से नेक्स्ट 2-3 इयर्स हम लोग साथ में नहीं खेल पाए थे. तो वो एक टाइम था जब उसने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया और आई थॉट कि अगर हम लोग अलग अलग खेल रहे हैं तो कैसी ग्रोथ होगी, क्योंकि जब साथ में रहते थे तो एक दूसरे का सपोर्ट रहता था. तो जब वो एक टाइम था, बट ही डिड एक्सेप्शनली वेल. एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जिसने हर एज ग्रुप में नेशनल चैंपियनशिप जीती हुई है फ्रॉम अंडर 10, 13 टू सीनियर्स तक. तो जब मैं एकेडमी में था एंड वो अंडर 16 अंडर 19 में खेल रहा था, तो उसके रिजल्ट्स मुझे बाकी प्लेयर से सुनने को मिलते थे कि, और मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग होता था कि मतलब कैसे वो यहाँ पर रह के, क्योंकि मैं भी नहीं था और दूसरे प्लेयर्स भी उतने नहीं थे, कैसे वो इस चीज को कर रहा है. तो मैं भी उससे कभी कभी पूछता हूँ कि कैसे तूने इस चीज को मैनेज किया कि यहाँ पर रह के नेशनल करेक्ट. लेवल तक के टाइटल जीतना. इट्स नॉट एन इजी इजी जॉब. So, I mean, I'm sure I've read about a lot of sports people, a lot of athletes जी who, when they grow up, their fundamental support is mostly their parents. And जी आपके यहाँ तो I'm sure your parents would have helped your माता पिता. पेरेंट्स का So, how काफ़ी what role did सपोर्ट they रहा play? था. मेरे मेरे हिसाब से जो मेरा करियर रहा उसमें मेरे पेरेंट्स का काफ़ी रोल था, क्योंकि पापा ने इंट्रोड्यूस कराया था बैडमिंटन से. एंड देन वी वर लक्की उस टाइम पर जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, तो 3-4 लोगों का एक अच्छा ग्रुप था जो कि रेगुलरली और मतलब कंटिन्यूसली नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था. और हमारे साथ एक दो सीनियर्स भी थे जिनके साथ हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो हमारा गेम इम्प्रूव होता था. तो आई थिंक वो मेरे लिए काफी एक अच्छी बात रही थी उस टाइम पे. So, one question, Saurabh, is that today when I see a lot of youngsters, जो आपका आपके आपके गोपीचंद एकेडमी में जो आ रहे हैं, जी. छोटे बच्चे हैं, so पेरेंट्स जो हैं उनको फोर्स करते हैं, उनको ऑलवेज एम्बिशन इज देयर दैट द किड शुड विन द नेशनल टाइटल. कभी राइट. आपके पेरेंट्स ने कभी पुश किया आपको कि यू हैव टू विन द नेशनल चैंपियनशिप, ओलंपिक्स जाना है, और डिड दे एक्चुअली एनकरेज यू फॉर द लव ऑफ द गेम? एक्चुअली जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब थोड़ा सा पुश किया था, क्योंकि मतलब मैं थोड़ा लेजी साइड में था. बट वंस आई गॉट इंटरेस्ट इन इट एंड तब उसके बाद फिर उन्हें कभी भी पुश करने की जरूरत नहीं पड़ी. तो मेरे ख्याल से प्लेयर का इंटरेस्ट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बाकी फिर पेरेंट्स की जॉब थोड़ी कम इजी हो, मतलब इजी हो जाती है कि आपको सिर्फ उसके जो दूसरी चीज़ें जैसे खाना और रिकवरी का जो ध्यान है वो पेरेंट्स को रखना पड़ता है. बट अगर प्लेयर का इंटरेस्ट है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर वो खुद
इस चीज को करेगा तो फिर पेरेंट्स को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे केस में ऐसा था कि 13 तक थोड़ा पुश करने की जरूरत पड़ी, बट उसके बाद आई रियलाइज आई गॉट इंटरेस्ट इन बैडमिंटन, तो ऑटोमेटिकली चीजें होती गई। एंड देन पापा का काम भी थोड़ा इजी हो गया कि खेलने के लिए उतना ज्यादा उनको नहीं होना पड़ता था, बट दूसरी चीजें जो रिकवरी की हो गई और खाने का है, तो वो सब चीजें वो देख लेते थे। So, Saurabh, you have been playing at the top level for a lot of years now. I mean, I जी think last 10 years you have been around at the international level too. राइट Now, when you look back for an यंगस्टर, काफी जो लोग हैं अभी बैडमिंटन जो खेल रहे हैं, जी उनका सक्सेस के लिए व्हाट आर द की फैक्टर्स? उनका स्किल है कि उनका हार्डवर्क है, क्या है? आई मीन, इफ यू हैव टू एडवाइस अ यंगस्टर, व्हाट वुड दैट बी? मेरे ख्याल से रियलिस्टिक छोटे छोटे गोल्स रहना बहुत जरूरी है। जब मैं अंडर 13 अंडर 16 में था, तो मेरे दिमाग में इंटरनेशनल इंटीग्रिटी रखे और जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको 100% करें, तो क्योंकि रिजल्ट तभी आएंगे जब आप अपना 100% दोगे। करेक्ट। तो सौरभ, लॉट ऑफ पीपल हु वॉच बैडमिंटन टुडे ऑब्वियसली नो इट इज अ ग्रोइंग स्पोर्ट, मे बी राइट क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन। अभी बैडमिंटन भी वो लेवल पे है, राइट? जी एंड फॉर हाँ जी एवरी वन हु इज एस्पायरिंग टू बी अ बैडमिंटन प्लेयर, थिंक दैट माई नेक्स्ट स्टेप इज टू गो टू हैदराबाद, वहां पे गोपीचंद अकेडमी में प्रैक्टिस करना है, राइट? राइट राइट प्ले विथ पीपल देयर। तो आपका जो ट्रांजिशन हुआ था, लाइक व्हेन यू जी केम टू हैदराबाद, हाउ डिड इट हैपन एंड व्हाट वाज डिफरेंट देयर? जब मैं हैदराबाद में आया, उसके पहले जब हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे, तो आई थिंक एक अच्छी कोचिंग होना जरूरी है। बट अगर आपको हैदराबाद में मौका नहीं मिल रहा है खेलने, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे ऑलरेडी इतने बच्चे हैं कि कोई नया एडमिशन हो नहीं रहा है, तो जब हम लोग यहाँ पर खेल रहे थे तो उतना आइडिया नहीं था कि हैदराबाद में ट्रेनिंग होती है या फिर नेशनल सेंटर है, क्योंकि उस टाइम पर गोपी सर खुद प्लेयर थे। आई थिंक ही बिकेम चीफ नेशनल कोच इन 2006-2007, तो उसके पहले तक हम लोग धार में ही खेल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ने जो यहाँ पर ट्रेनिंग करी थी, वो ट्रेनिंग से भी हम लोगों को नेशनल लेवल पे रिजल्ट्स मिल रहे थे। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग का 4-5 लोगों का काफ़ी अच्छा ग्रुप था उस टाइम पे, जो हम लोग आपस में ही अच्छे से कॉम्पीट कर लेते थे और नेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे थे। तो बट जब हम हैदराबाद में शिफ्ट हुए, तो 2-3 चीज़ों की जो यहाँ पर कमी थी, जैसे शटल की हो गई और अदर इक्विपमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि हम लोग जब यहाँ खेलते थे तो स्मैशेस उतने ज़्यादा होते नहीं थे। एंड जब हम सडनली हैदराबाद शिफ्ट हुए, वहाँ पर जाके हमने देखा कि स्मैश भी ज़रूरी होता है, तो आई थिंक वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम स्मैश इंट्रोड्यूस हुआ मुझे कि हाँ, मैं स्मैश मार सकता हूँ, देर आर इनफ शटल्स टू प्ले विद। तो उसके अलावा फिर जो एक सीनियर लेवल की ट्रेनिंग होती है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू लुक फॉर द प्लेसेस जहाँ पर आपको
उस लेवल की ट्रेनिंग मिल सके, उस लेवल के प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल सके, क्योंकि अगर आपके पास प्रैक्टिस पार्टनर्स नहीं है या फिर वो उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है सीनियर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए. No, fair enough. I mean, so I think that's it's very well put, Saurabh. So the other thing that we have noticed with badminton players, including you, is इतना टूर्नामेंट रहता है कि आपका जो इंजरी प्रोननेस होता है जी. दैट इज प्रिटी हाई, राइट? आई मीन लॉट ऑफ टाइम्स यू गेट इनटू इंजरीज. तो राइट राइट. हाउ डज अ प्लेयर मैनेज इट? क्या करते हो आप? आई मीन डू यू रियली नो दैट आई एम गोइंग टू गेट इंजर्ड? नहीं, इंजरी का पता नहीं होता, लेकिन ओवर द टाइम आपको आपकी बॉडी का नॉलेज हो जाता है कि बॉस दिस इज माय लिमिट एंड दिस आर द थिंग्स विच आई हैव टू डू टू कीप माई सेल्फ फिट एंड इंजरी फ्री. तो मेरे लिए वो टाइम आया एंड आई थिंक मुझे तो 1 साल के लिए बाहर बैठना पड़ा. एंड देन वो सीखने का टाइम होता है जब आप नहीं खेल रहे होते हो, इंजर्ड होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है कि क्या गलत हुआ और कैसे हुआ, मैंने क्या गलत चीज़ें करी थी और कहाँ पर मुझे रोकना चाहिए था. तो आई थिंक 2015 में व्हेन आई गॉट इंजर्ड, मुझे एल्बो में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था. तो उसके पहले तक इतनी कोई मेजर इंजरी नहीं हुई थी. एंड दैट टाइम आई वाज वर्ल्ड नंबर 30 एंड आई वाज डूइंग प्रीटी वेल. तो वो एक टाइम पे इंजरी होना एंड दैट टू बिफोर ओलंपिक ईयर, इन 2016 में ओलंपिक्स आए एंड देन 2015 में 1 साल के लिए बाहर हो जाना, दैट वाज ए ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर मी. तो वो साल में मुझे पता चला कि मतलब मुझे अपनी बॉडी का ध्यान देना पड़ेगा एंड आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इंजरीज, बिकॉज कोई और ध्यान देने वाला नहीं है. तो वो एक टाइम था जब मुझे अपनी बॉडी को देखने का और अपनी लिमिट्स का पता चला कि मुझे ये चीज़ें हैं और मुझे ये चीज़ों को करना होगा ताकि मैं अपने गेम को कंटिन्यू खेल सकूं. आई थिंक यू गेट मोर एक्सपीरियंस एज यू ग्रो, राइट आई राइट थिंक, राइट? राइट. तो यू टॉक अबाउट स्मैश, कि आपको स्मैश, यू यूज टू स्टार्ट डूइंग स्मैशेस मोर व्हेन इट कम व्हेन इट केम टू हैदराबाद, राइट? तो माय क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट एट द इंटरनेशनल लेवल इज देयर अ स्ट्रोक विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव इन द इंटरनेशनल सर्किट? इंटरनेशनल सर्किट में मेरे ख्याल से ओवरऑल गेम होना बहुत जरूरी है, और उसके अलावा भी ये जरूरी है कि क्योंकि हर एक जगह पे कंडीशंस अलग होती हैं. मतलब आप थ्रू आउट द ईयर अगर अगर आप देखोगे तो एशियन कंट्रीज में जो टूर्नामेंट होते हैं वो ड्रिफ्ट कंडीशंस होती हैं और शटल फास्ट होती हैं, लाइक मलेशिया ओपन हो गया, सिंगापुर करेक्ट. ओपन हो गया. तो ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए एंड अगर आपके पास अच्छा स्मैश है तो आप वो टूर्नामेंट में अच्छा कर सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू यूरोप, यूरोप में अगर आप खेल रहे हो तो ठंडी कंडीशंस है, वहाँ पर शटल थोड़ी स्लो रहती है, लाइक ऑल इंग्लैंड हो गया, तो वहाँ पर शटल स्लो होती है और एवरीडे एक डिफरेंट कंडीशंस होते हैं. तो मेरे ख्याल से आपके पास एक ओवरऑल गेम होना बहुत जरूरी है. आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना स्मैश के कोई टूर्नामेंट जीत जाओ. एक दो टूर्नामेंट होंगे जो आप बिना स्मैश के जीत जाओगे, बट टू बी इन टॉप 10 और टॉप 5 यू हैव टू हैव ऑलराउंड गेम. एंड डेफिनेटली मतलब ओवरऑल गेम के साथ आपके पास दो तीन ऐसे स्ट्रोक्स होना चाहिए जो आपको किसी भी मोमेंट पे आपको पॉइंट दिला सके, लाइक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. लाइक इफ यू सी कोई भी टॉप 10 का प्लेयर आप ले लो, अगर मोमोटा को ले लो, तो ही इज वेरी गुड एट द नेट एंड तो अगर वो नेट पे आता है तो ही इज वेरी प्रिटी मच स्ट्रांग, कि सब लोगों को पता है कि नेट पे वो बहुत स्ट्रांग है. तो सब चीजें होने के साथ साथ वो एक चीज उसकी ऐसी है जो उसको 100% पॉइंट दिलाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज गुड स्ट्रेंथ, ही कैन प्ले लॉन्ग लॉन्ग रैलीज एज वेल, ही कैन अटैक ऑल्सो. तो ही हैज गुड कंट्रोल एंड गुड ऑलराउंड गेम, दैट्स व्हाई ही इज टॉप ऑफ द वेरी वर्ल्ड.
very interesting Yeah. insights, Saurabh. So, Saurabh, when you look at badminton, it's typically an individual sport. आपका Right. individuals खेलते हैं, right? So, apart from you, you have Samir who is always mostly with you, or you know. But आपके जो top players हैं, do you easily communicate with each other, learn from each other, work with each other? ऐसा होता है? या डेफिनेटली हम लोग मतलब जो 7-8 प्लेयर्स हैं जो साथ में ही मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स अगर खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को साथ में ही ट्रैवल करना है. एंड देन आप लोग मतलब जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, हम लोग जो अकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं वो भी साथ में ही होती है. एंड देन फिर वहाँ से ट्रैवल करना है तो वो सब चीज़ें अगर रहती है तो वी कैन ऑलवेज हेल्प ईच अदर. I'll teach you, sir. Okay, good. So the other interesting thing which has happened to badminton these days is the PBL, right? Yes. I think with PBL you have more more international players coming to India. You have the concept of team, which is there, and also I mean, there is money into the game. There are advertisers. It is being put on TV, etc. So has PBL changed the game for a lot of you, and what is so different with PBL? आप हैदराबाद हंटर्स के के लिए खेले थे लास्ट टाइम, राइट? राइट? या सो व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट इट? PBL एक्चुअली अगर आप देखें तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए काफी बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि आप टॉप प्लेयर्स के साथ ट्रैवल कर सकते हो, आप उनके साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, आप उनको वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि वो लोग कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं और कैसे मैच के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट होती है जो भी यंगस्टर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं उनके लिए. एंड डेफिनेटली PBL होने से बैडमिंटन पॉपुलर हुआ है कंट्री में. एंड और मनी भी इन्वॉल्व है, आया है उसके अंदर कि प्लेयर्स को अभी मतलब अगर आप क्रिकेट और दो चार स्पोर्ट्स को अगर छोड़ दें तो पहले बैडमिंटन में उतना नहीं था बट स्लोली ग्रेजुअली ये चीजें चेंज हुई हैं ओवर द टाइम. I just saw that your friend Kashyap had some या comments for you, but we will या take it up later. या but Saurabh, today for an youngster, is badminton something where they can build a career? I mean, like cricket में तो अभी IPL है, अभी काफी पैसा है, right? So right. Is badminton something that you would like to, I mean, you like encourage youngsters to take it up? Yes, definitely. क्योंकि जैसे हम लोग जो टॉप प्लेयर्स हैं वो सब लोगों को पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने जॉब दिया हुआ है. सो वी आर वेरी लक्की कि हम लोग के पास जॉब्स हैं. एंड वी आर थैंकफुल फॉर आवर पब्लिक सेक्टर कंपनीज लाइक ONGC एंड इंडियन ऑयल एंड HPCL एंड वॉट एवर कंपनीज आर देयर. तो डेफिनेटली बट उसके लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है. मतलब लाइक यू हैव टू बी इन टॉप 4 और टॉप 2 इन द कंट्री. क्योंकि फॉर मी इट वाज अ बिग स्ट्रगल क्योंकि जब मैं खेल रहा था सो आई रिमेम्बर कि व्हेन आई फर्स्ट वॉन माय ऑल इंडिया सीनियर ऑल इंडिया तब भी मेरी रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी. बट व्हेन आई वॉन माय फर्स्ट सीनियर नेशनल टाइटल सो इमीडिएटली आई गॉट एन रिक्रूटमेंट ऑफर फ्रॉम ONGC. तो उसके पहले भी मैं ONGC के साथ ही था बट आई वाज ऑन स्कॉलरशिप. तो ONGC इज वन ऑफ द कंपनी जिसने मुझे फाइनेंशियली काफी हेल्प करी व्हेन आई वाज इन माय जूनियर डेज. तो उस टाइम पे अराउंड आई यूज्ड टू गेट अराउंड 12,000 to 15,000 ऑफ स्टाइपेंड पर मंथ. एंड आई यूज्ड टू सेव दोज मनी फॉर माय इंटरनेशनल टूर्नामेंट. तो That was really helpful for me those time pe. No, thanks Saurabh for those insights. I think we need a lot more people to encourage badminton players who are at the national level who are struggling to come up, right? Yes. So I have a few five or six questions which are more of fun questions, rapid fire questions. So we would expect small, quick answers, and then after that we'll take one or two questions and be done with the session. Okay. Sure.
एट होम, अब तो आपका जो क्वारंटीन चल रहा है, इज देयर एनी हाउसहोल्ड कोर हाउसहोल्ड ड्यूटी दैट यू लाइक डूइंग? हाउस होल्ड ड्यूटी, मैं खाना बना सकता हूँ जो भी थोड़ा बहुत आता है, सो बढ़िया, आई कैन कुक फॉर माई सेल्फ. ओके, ग्रेट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन टू डू विथ दैट थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट, स्मैश, बी ऑन द नेट एटसेट्रा. अगर एक ऐसा स्ट्रोक है जो आप यू वांट टू प्ले थ्रू आउट द गेम, व्हाट वुड दैट बी? इज देयर एनी स्ट्रोक? आई कैन प्ले ड्रॉप्स, जितने भी ड्रॉप्स. ड्रॉप्स हैं तो आई कैन प्ले हाउ मेनी हाउ मच एवर ड्रॉप्स आर देयर. ओके, द नेक्स्ट question is, after the lockdown, I see a lot of your friends also listening to this. Yes. If there is somebody you want to play after the quarantine is over, lockdown is over, when you get back to Hyderabad, who would that be? Sai Praneeth. I think Kashyap is commenting here. Okay, cool. So Yeah. Sai Praneeth would be that. Do you play online games? Any online? Kabhi कभी कभी कुछ kabhi. फेवरेट Kabhi फेवरेट है आपको? ओके, kabhi. Favorite, अभी तो बीच में थोड़ा लूडो खेलना शुरू किया था. ग्रेट. आपका फेवरेट रोल मॉडल जो है? धोनी. धोनी. आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम में आर यू वाचिंग एनीथिंग? व्हाट इज दैट? हॉटस्टार पे स्पेशल ऑप्स, स्पेशल ऑप्स, स्पेशल ग्रेट. ऑपरेशंस करके एक सीरीज या है. या या I think KK Menon is यस यस acting. यस Right. यस So you told that you are also a cook. You can cook. Any यस favorite recipe that you like? भिंडी की सब्जी पसंद है तो वो थोड़ा सीख लिया है मैंने, तो वो अब आई होप बना सकता हूँ कभी. Great. So anything that you listen to as a song? Any song that you're listening to currently? सॉन्ग्स उतने ज्यादा सुनता नहीं क्योंकि वो नहीं. सीरीज चलती रहती है तो सॉन्ग्स का टाइम नहीं मिलता. इफ देयर अभी पैंडेमिक में के ऊपर अगर कुछ मूवी बनाया जाए तो आप कौन सा सुपर हीरो खेलना चाहते हैं? ये तो बहुत ही कठिन सवाल होंगे. मतलब अभी अगर मजाक से हटके देखा जाए तो डॉक्टर्स हैं जो असली या सुपर करेक्ट, हीरो हैं, वेरी वेरी तो वेरी जो नाइस. हमारे डॉक्टर्स हैं और जो पुलिस है दे आर रियल सुपर हीरोज, जो भी जो कि रियल लाइफ में जो इस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं. वेरी वेल पुट सौरभ. सो दैट कंक्लूड्स अवर क्विक फायर राउंड, बट आई हैव टाइम फॉर आस्किंग यू अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. लेट अस गो इन टू द फ्यूचर नाउ. अभी दिस फेस इज टफ फॉर एवरी वन. वंस दिस फेस इज ओवर, आई मीन हाउ डज द प्लान लुक लाइक? आई मीन विल इट बी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक यू टू कम बैक टू फिटनेस एंड स्टार्ट प्लेइंग अगेन? नहीं, उतनी डिफिकल्ट बात नहीं होगी क्योंकि हम लोग रेगुलरली ट्रेनिंग कर रहे हैं. जो ऑनलाइन सेशंस गोपी सर करा रहे हैं तो वो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं. एंड जब हम वापस टूर्नामेंट के लिए जाएंगे तो आई थिंक वील गेट अराउंड 3 or 4 weeks ऑफ टाइम बिफोर द टूर्नामेंट रियली स्टार्ट. तो जब वो टाइम मिलेगा तो वी कैन डेफिनेटली वहां से नेक्स्ट लेवल की जो भी मतलब मैच रेडी जो ट्रेनिंग होती है तो वो हम लोग कर सकते हैं. तो अभी जो भी टाइम हम लोगों को मिलता है हम लोग जितना भी घर पे हम लोग कर पाते हैं तो वी आर डूइंग दैट. Sure. So for the next year's Olympics, does the ranking and the points start from here, or is there a new cycle which is going to start? आई थिंक जुलाई से अगर टूर्नामेंट शुरू होंगे तो आई थिंक दे विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम देयर आई थिंक. Counting, counting from या there. तो अभी अभी ऐसा कुछ क्लियर हुआ नहीं है कि क्या होगा क्योंकि रैंकिंग अभी फ्रीज करी हुई है. BWF ने जो वर्ल्ड श्योर रैंकिंग है वो रैंकिंग फ्रीज करी हुई है श्योर. और जुलाई तक के जो टूर्नामेंट है वो सारे अभी पोस्टपोन किए हुए हैं. तो लेट्स सी अगर जुलाई से टूर्नामेंट शुरू होते हैं तो राइट क्या क्या चीजें होती हैं. राइट. सो थैंक्स समीर. वन लास्ट क्वेश्चन टू यू बिफोर वी कंक्लूड. सो यू कम फ्रॉम धार, धार विच इज फ्रॉम मध्य प्रदेश. नो वन वुड हैव हर्ड दैट एज अ प्लेस फॉर बैडमिंटन, राइट, इन इंडिया. सो इफ देयर इज अ मैसेज टू
any aspiring badminton player, right? What would that be? I mean, especially coming from, I mean, your favorite role model is also Dhoni, yeah. who comes from yeah. Ranchi, right? Right. So it's a story of smaller towns becoming bigger than national, international stage. So right. aapka message right. kya hoega? I think मैं ये बोलूंगा कि अगर कुछ आपको करना है और आपकी जिद है तो वो फिर जगह से रिलेट नहीं करती है. मतलब आप अगर आप पैशनेट हो, आपके अंदर कुछ करने की वो इंटरेस्ट है कि जैसे मुझे बैडमिंटन में करना था, तो फिर वो चीज़ें अगर आप करोगे तो वो मतलब आप अचीव कर सकते हो. इट्स नॉट समथिंग कि अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप हाथ पैर चलाओगे तो कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही आपको. एंड आई थिंक उसके अलावा एक चीज़ है कि बिलीव होना चाहिए खुद पे कि मेरा ये टारगेट है. क्योंकि आप देखो कि छोटी जगह से वहां तक पहुंचना बहुत डायरेक्ट ओवर द नाइट नहीं होगा. फर्स्ट आपको स्टेट लेवल, देन उसके बाद नेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा. तो स्टेप बाय स्टेप आपको वो गोल अपने सेट करना पड़ेंगे. एंड देन नथिंग इज इम्पॉसिबल आई थिंक. या So तो thank you सब so कर much. सकते हैं. No, thank you या so much, Saurabh. It has been phenomenal talking to you for the last half an hour. So you are थैंक the यू सो first मच. badminton player to have come on the Insta Live series. So थैंक यू सो it's मच. a nice insight to talk या to a player from another sport. We थैंक wish यू. you the very best, and hopefully once the lockdown is over, you'll be back to the same level where you were and go forward with it. थैंक यू सो मच. Thank you so much, थैंक यू. Saurabh. Take care. बाय. Bye bye. या बाय बाय.